नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। आइए शुरुआत करते हैं सुबह समाचार की इस वक्त की खास सुर्खियों के साथ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया मोड़, सपा और बसपा का हुआ गठबंधन। पाली के देसूरी में पशुओं के बाड़े में संचालित हो रहा निजी शिक्षण संस्थान, अधिकारियों ने स्कूल का किया औचक निरीक्षण और पाई अनेकों अनियमितताएं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पुलिस का नशे के विरुद्ध अभियान जारी, 21 किलो गांजा, एक रिवॉल्वर सहित दो देसी कट्टे किए बरामद। धौलपुर के बाड़ी में बजरी माफियाओं ने हाईवे पर की फायरिंग, माफियाओं को पकड़ने में पुलिस को नहीं मिली कामयाबी। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के भाजपा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष, इस मुद्दे को लेकर आज भाजपा विधायक दल की बैठक होने जा रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में भाजपा विधायक दल की बैठक लेंगे। इस बैठक में माना जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष के नाम पर विचार विमर्श हो सकता है। अभी भाजपा विधायक राजन सिंह राठौड़, गुलाब चंद कटारिया का नाम मुख्य रूप से सामने आ रहा है, लेकिन भाजपा आलाकमान की तरफ से कोई चौंकाने वाला नाम भी नेता प्रतिपक्ष के लिए सामने आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी विमल कटियार ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक रविवार को दोपहर 12:30 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित की जाएगी। पाली जिले के खिवाड़ा कस्बे के राजकीय विद्यालय के प्रांगण में कैरियर डे युवा दिवस के रूप में प्रधानाचार्य बस्तीमल सोनल की अध्यक्षता में मनाया गया। इस अवसर पर युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। गौरव सांधू द्वारा विज्ञान और प्रशासनिक सेवाओं संबंधी जानकारी ओजपूर्ण रूप में दी गई। साथ ही मांगीलाल भाटी द्वारा कैरियर निर्माण हेतु पुस्तकालय की उपादेयता की भी जानकारी दी गई। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय 3 गांजा तस्करों को कड़ी मशक्कत से घेराबंदी कर आखिर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी तस्कर अनूप तिवारी थाना रामपुर करचुलियान, अवनीश पांडे निवासी रतहरा और शैलेंद्र सेंगर और सोनू निवासी कसियार सभी रीमा के निवासी हैं और इनके पास से 20 किलो 950 ग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ है और एक रिवॉल्वर के साथ दो देसी कट्टे भी बरामद किए गए हैं। उड़ीसा से गांजा लेकर अंबिकापुर छत्तीसगढ़ बैढ़न के रास्ते होते हुए ये रीवा जाने की तैयारी में थे। वहीं पुलिस के चंगुल से बचने के लिए देसी कट्टे से इन लोगों ने फायरिंग भी की। आपको बता दें कि गिरफ्तार तस्करों में अनूप तिवारी के ऊपर ग्राम सरपंच की हत्या के NDPS एक्ट के तहत 10 अपराध थाने करचुलियान में दर्ज किए गए हैं। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके के NH3 पर वाटर वर्क्स चौराहे के पास मरौली की तरफ से चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर बैठे माफियाओं ने हाईवे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। चौराहे पर हुई फायरिंग से लोगों में दहशत फैल गई। बजरी माफिया पथराव और ट्रक के शीशे में गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस ने माफियाओं का पीछा कर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। धनोप ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत शनिवार को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजेंद्र सिंह राठौर ने ग्राम सभा में जनसुनवाई में बड़ौदा बैंक खुलवाने और उप स्वास्थ्य केंद्र क्रमोन्नत करवाने, मसूदा से ब्यावर तक बस सेवा शुरू करवाने, विद्यालय परिसर में सौर प्लांट लगवाने और उच्च माध्यमिक विद्यालय में 4 कमरों के निर्माण के साथ बालिका माध्यमिक विद्यालय की 4 दीवारी का निर्माण और पेयजल के लिए चंबल परियोजना से जोड़ने आदि की विभिन्न समस्याएं ग्रामीणों ने जिला परिषद कार्यकारी बताई। इस पर उन्होंने संबंधित विभाग को निस्तारण के आदेश भी दिए। सवाईमाधोपुर के उपखंड गंगापुर सिटी में चोरी और लूटपाट जैसी घटनाएं आए दिन होती जा रही हैं। इसी तरह एक घटना कल ट्रक यूनियन स्थित हिटाची प्राइवेट कंपनी के ATM में देखने को मिली। घटना की सूचना पर सवाईमाधोपुर SP मौके पर पहुंचकर शक के दायरे में गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों की फिंगरप्रिंट लेकर जयपुर रवाना हुए। ATM मालिक अशोक गुप्ता का कहना है कि सारे पैसे सुरक्षित हैं, बस ATM मशीन क्षतिग्रस्त हुई है। एकलखोरी निवासी ट्री मैन के नाम से मशहूर राणा राम विश्नोई के घर बेल्जियम के जूलियन और मारिन आए हैं। आज विश्व ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रहा है। भारत सरकार भी करोड़ों रुपए इस पे खर्च कर रही है, लेकिन असल में काम करने वालों को जितनी तवज्जो सरकार से मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है। अलग अलग पार्टियां सरकारें बनाती है, क्षेत्र के अलग अलग विधायक भी बनते रहते हैं, लेकिन किसी ने भी राणा राम जी की ओर सहयोग का हाथ नहीं बढ़ाया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि मीडिया की खबर के माध्यम से भारत सरकार ने ये जाना, तब से पर्यावरण मंत्रालय ने उन्हें सम्मानित जरूर किया है। कई वर्षों से राणा राम के कार्य उनसे मिलने के लिए अलग अलग
लोगों को अलग अलग देशों से आने के लिए प्रभावित करते रहे हैं। अभी अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी आदि यूरोपीय देशों से लोग आते रहते हैं, वो भी ये जानने के लिए कि आखिर उम्र के इस पड़ाव के साथ ही रेगिस्तान में इतना काम उन्होंने कैसे किया और कैसे मटकी के जरिए इतना बड़ा लंबा कार्य किया। राणा राम विश्नोई के पुत्र अभिषेक विश्नोई ने हमें बताया कि कई नेताओं, अफसरों से वो मिले, लेकिन आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन अब जल्दी वन पर्यावरण मंत्री सुखराम विश्नोई को वो मदद के लिए पत्र लिखेंगे और साथ ही मिलेंगे ताकि आगे के लिए कार्यनीति बनाई जा सके। प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने ज्वाइनिंग करने के साथ ही दरियावत थाने का निरीक्षण कर पुलिस उपाधीक्षक जगराम मीणा और सीआई डूंगर सिंह चुंडावत सहित अधिकारियों की बैठक लेकर चोरी, दुर्घटना, नकबजनी, दैनिक गश्त और वांछित अपराधियों की धरपकड़ सहित अपराध पर अंकुश लगाकर आम जनता को विश्वास में रखते हुए भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दरियावत थाने में स्टाफ की कमी है। जयपुर जिले के सांबर उपखंड मुख्यालय क्षेत्र के चौबदारों के मोहल्ला अमलेश्वर महादेव के पास लगाई विद्युत डीपी की चपेट में आने से आए दिन हादसे होते रहते हैं। लोगों के अनुसार उक्त विद्युत डीपी से 6 माह में ही लगभग तीसरी बार राष्ट्रीय पक्षी मोर की मृत्यु हो चुकी है, फिर भी विद्युत विभाग लापरवाह नजर आ रहा है। आमजन अधिकारियों के खिलाफ कई प्रकार के सवालिया निशान लगाते हुए नजर आ रहे हैं। भरतपुर जिले के नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक हैदर अली जैदी का शनिवार शाम को बयाना पहुंचने पर कस्बे के विभिन्न संगठनों और सीएलजी सदस्यों की ओर से स्वागत किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली परिसर में सीएलजी बैठक का आयोजन कर सीएलजी सदस्यों और गणमान्य नागरिकों के साथ संवाद करते हुए अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण और वाहन चोरी की वारदातों, साइबर ठगी, बढ़ती हुई यातायात नियंत्रण और दुर्घटनाओं की रोकथाम के उपायों सहित अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की और नागरिकों और विभिन्न व्यावसायिक और सामाजिक संगठनों की ओर से भी सहयोग का आह्वान किया। इस दौरान भरतपुर के अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद्र शर्मा, उपाधीक्षक क्षेत्रराम सेवदा, कोतवाली प्रभारी खलील अहमद सहित अन्य अधिकारी और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। लाहौर विधायक कृष्णा राम विश्नोई शनिवार को मोटानिया नगर के राजस्व गांव लाखेटा में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते दिखाई दिए। ग्रामवासियों ने विधायक का ढोल, माला और साफा पहनाकर स्वागत किया और उनके साथ कांग्रेस के कई नेतागण भी मौजूद रहे। विधायक ने सामाजिक कुरीतियों को दूर कर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आग्रह किया। जोधपुर के ओसिया गांव में रविवार को राजपूत समाज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हाईवे पर स्थित गजेंद्र सिंह शिक्षण संस्थान छात्रावास में किया जाए। संस्थान के अध्यक्ष गुलाब सिंह भारी ने बताया कि प्रतिभा सम्मान समारोह में 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में 80% अंक लाने वाले विद्यार्थियों, नवोदय चयन, स्काउट गाइड, एनसीसी, खेलकूद सहित समस्त राजकीय सेवाओं में चयनित प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। वहीं समारोह में केंद्रीय मंत्री, जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत, शेरगढ़ विधायक मीना कंवर, भाजपा नेता शंभू सिंह खेतासर, समाजसेवी महेंद्र सिंह भाटी उम्मीदनगर शिक्षक करेंगे। जोधपुर के ही ओसिया में राजकीय विद्यालय ओसिया सिरमंडी और खाबड़ा स्कूल के विद्यार्थियों ने स्वामी विवेकानंद की 156वीं जयंती कैरियर डे के रूप में श्रद्धापूर्वक मनाई। इस दौरान सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों ने कस्बे और गांव के मुख्य मार्गों से रैली निकालकर ग्रामीणों और युवाओं को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य राजू राम गोदारा, रक्त मित्र सुखराम जानी, श्रवण कुमार, लिपिक पूनाराम सहित विद्यालय के समस्त शिक्षकगण और स्टाफ मौजूद रहे। नापासर पुलिस थाना क्षेत्र के रामसर गांव की रोही में हिरण के शिकार के मामले में 2 नामजद लोगों के खिलाफ 10 मुकदमों को अनुचित बताते हुए आज रामसर के गांव के लोगों ने पुलिस अधीक्षक ऑफिस के सामने धरना देकर मांग की कि इस मुकदमे को वापस लिया जाए। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद की जयंती निजी स्कूल सर मथुरा में मनाई गई, जिसमें खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इसमें कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल में कक्षा 10 ने कक्षा 8 को 40-31 के अंतर से हराया। इस मौके पर परिषद के गोविंद पराशर, योगेश परमार, गोविंद झा, देवेश शर्मा, लाखन मीना, राजन पांडे, ज्योति नीलम, कविता ज्योति पांडे और शिवानी मौजूद रहे। देश एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा हुआ है और सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के लिए जोड़ तोड़ में लगी हुई हैं। पिछले बार हुए लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को मिली सीटों को देखकर कभी दुर्विरोधी रही पार्टियां, सपा और बसपा ने अपनी दूरियों को कम करते हुए आपस में राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती और अखिलेश यादव ने 2019 के चुनाव को देखते हुए गठबंधन करने का फैसला लिया है। इसका दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और दोनों नेताओं के द्वारा लिए गए फैसले को ऐतिहासिक फैसला करार देते हुए कहा कि केंद्र में मोदी जी की सरकार और यूपी में योगी जी की सरकार उखाड़ फेंकने के लिए यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।
सपा बसपा के नेताओं ने इस दिन को और इस फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि जब प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन नहीं हुआ था तब भी फूलपुर और गोरखपुर में वर्तमान डिप्टी सीएम और सीएम के इस्तीफे के बाद खाली हुई दोनों लोकसभा सीटों पर भाजपा को हार झेलनी पड़ी थी और अब जब पूरे प्रदेश में सपा और बसपा का गठबंधन हो गया है तो अवश्य ही देश के वर्तमान प्रधानमंत्री को भी यूपी में अगर चुनाव लड़े तो हार झेलनी पड़ेगी। भीलवाड़ा में स्थानीय समाजसेवी संस्था द्वारा स्वामी विवेकानंद के 156वीं जन्म दिवस के अवसर पर राजकीय विद्यालय शाहजनगर भीलवाड़ा में सघन पौधारोपण का आयोजन किया गया। संस्थान के सदस्य अमित काबरा ने बताया कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर संस्थान के सभी पदाधिकारियों और स्कूल के बालक बालिकाओं द्वारा पौधारोपण का आयोजन किया गया जिसके तहत विभिन्न किस्मों के कुल 15 फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। उन पौधों की सार संभाल के लिए बच्चों को संकल्प भी दिलाया गया। पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर हेलीकॉप्टर से भीलवाड़ा पुलिस लाइन में पहुंचने की भाजपा की ओर से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। उसके बाद पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर राजीव गांधी ऑडिटोरियम में भारत विकास परिषद की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने के बाद में जौहर स्मृति संस्थान के पूर्व अध्यक्ष और साहित्यकार उमित सिंह राठौड़ के निधन पर उनके पैतृक गाँव धौली जाकर शोक प्रकट करके आए। एक तरफ तो प्रदेश भर में ठंड के वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना दुष्कर हो गया है लेकिन सुमेरपुर खंड के बांकली गांव के महावीर गौशाला की सत्यमेव न्यूज को एक अनोखी पहल देखने को मिली जिसमें गौशाला में गायों को ठंड से बचाने के लिए इंदौर से मंगाए गए कंबलों को पशु घर की चारों दीवारी किया और बांध कर ठंड से बचाने की एक अलग ही जतन किया गया जो अन्य गौशालाओं के लिए भी एक प्रेरणादायक बात साबित हो रही है। इसे ना सिर्फ गायों को ठंड से बचाया जा रहा है बल्कि आसपास के माहौल को भी नियंत्रित किया जा रहा है। निजी शिक्षण संस्थाओं ने अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए शिक्षा विभाग के नियमों को ताक पर रख दिया है और शिक्षण संस्थानों को धड़ल्ले से चला रहे हैं। ऐसा ही एक मामला देसूरी के राजपुरा और मगर तलाव में देखने को मिल रहा है जहां निजी संस्थान आज भी भेड़ बकरियों के बाड़ों की ओट में गैर सरकारी स्कूलें चला रहे हैं। इन स्कूलों में आज भी छात्राओं के बैठने और पढ़ने के लिए कक्षा कक्ष और साइन बोर्ड तक की व्यवस्था नहीं है। जब स्थानीय मीडिया ने देसूरी ब्लॉक के शिक्षा अधिकारियों को इसकी जानकारी दी तब अधिकारियों ने इन स्कूलों का औचक निरीक्षण किया और काफी अनियमितताएं इसमें पाई गई हैं। उम्मीद है कि जल्द ही इसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई कर ली जाएगी। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार समिति के प्रदेश महामंत्री ललित दवे ने स्थानीय श्री धनराज बदामिया राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय सादड़ी में विवेकानंद प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अपने विचार व्यक्त किए। करडे प्रभारी वीरम राम चौधरी के निर्देशन में निबंध चार्ट निर्माण भाषण वाद विवाद सामान्य ज्ञान पत्र वाचन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को प्रधानाचार्य विजय सिंह माले ने पारितोषिक देकर सम्मानित किया। चैपर ग्रामीण में क्रिकेट का महाकुंभ आज शुरू हो गया। टूर्नामेंट की विधिवत शुरुआत आज बिलौची से हुई जिसमें क्रिकेटर पंकज सिंह और सलीम दुर्रानी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर विधायक आलोक बेनीवाल और राम निवास गावड़िया ने भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। प्रतियोगिता में जयपुर ग्रामीण लोकसभा में आने वाली सभी विधानसभा सीटों में से एक एक क्रिकेट टीम को चुना गया है। जयपुर ग्रामीण की 8 टीमों के बीच ये मुकाबला होगा। आमेर के बिलौची राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत महाविद्यालय में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। इस महाकुंभ के आयोजनकर्ता अनिल चोपड़ा ने बताया कि महाकुंभ के माध्यम से जयपुर ग्रामीण के टैलेंट को उभारना है साथ ही उनके टैलेंट को देश और दुनिया के सामने रखना है। महाकुंभ के सभी मैच नॉकआउट तर्ज पर खेले जाएंगे। महाकुंभ में विजेता टीम को एक ट्रॉफी 1,00,000 रुपए और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा तो वहीं रनर टीम को 41,000 रुपए दिए जाएंगे। महाकुंभ में बेस्ट बॉलर बेस्ट फील्डर और मैन ऑफ द सीरीज से भी खिलाड़ियों को नवाजा जाएगा। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज हमेशा सच के साथ।